नमस्ते। तो कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज डेट है 25th of May और साइक्लोन यास आज उड़ीसा कोस्ट पर हिट करने वाला है और अभी फ़िलहाल हम लोग झारखंड में हैं, रामगढ़ के पास, और आज हम लोग पटना निकल रहे हैं। साइक्लोन हमारे पीछे पीछे रहेगा और हम लोग साइक्लोन के आगे आगे पटना पहुंच जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और शाम को 6 या 7 बजे तक पटना पहुंचेंगे। तो चलिए आपको एक नए रोड ट्रिप पर ले चलते हैं। तो स्टार्ट करें, लेट्स गो। तो ऐसा कुछ नज़ारा है मेरे घर के पास फ़िलहाल। चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, साइक्लोन हिट करने वाला है और हाईवे पर अभी गाड़ियां काफ़ी कम चल रही हैं लॉकडाउन की वजह से। तो ऐसी सिचुएशन है और ऐसी सिचुएशन में हम लोग निकल रहे हैं। तो हम लोग पटना निकल रहे हैं और ई पास जो है वो गाड़ी पे चिपका लिया है। टाइम हो रहा है 10:30 और इस बार हम लोग गया होकर जाएंगे। हम लोग अब चरही पहुंचने वाले हैं और ये जो सामने रेलवे लाइन है ये कोडरमा को रांची से कनेक्ट करता है वाया बड़का काना। और साइक्लोन की वजह से काफ़ी बादल छाए हुए हैं, टेम्परेचर भी कम हो गया है 28 के आसपास और पिछले एक वीक में बहुत बारिश हुई है तो ग्रीनरी भी काफ़ी बढ़ गई है इधर। सुनाई दे रहा होगा आपको इंदौरों की आवाज़। और हम लोग चरही क्रॉस कर चुके हैं और हजारीबाग से थोड़ा पहले रुके हुए हैं। आगे मुझे रिलायंस के पंप पे डीजल भी लेना है क्योंकि इधर बीपी का कोको तो मिलेगा नहीं और हाईवे पे गाड़ियां बहुत कम हैं और ये जंगल से अजीब तरीके की आवाज़ आ रही है। तो अभी डीजल लेने के लिए रुके हैं हम लोग हजारीबाग से जस्ट पहले एक रिलायंस के पंप पे और यहाँ ज़्यादा नहीं, बस 2000 का डीजल ले रहे हैं ताकि पटना पहुँच जाए क्योंकि वहाँ भी लॉकडाउन में गाड़ी कम चलेगी तो डीजल रख के कोई फ़ायदा नहीं है कार में। तो डीजल ले लिया है और रिलायंस में झारखंड में डीजल का रेट 89 क्रॉस कर चुका है, मतलब अप्रॉक्स 90 पहुँचने वाला है, बहुत महंगा हो गया है। बिहार में कितना है? बिहार में भी इसी के आसपास है, ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ी देर में हजारीबाग क्रॉस करेंगे। तो हम लोग बरही पहुंच गए और अब यहाँ से स्ट्रेट गए तो कोडरमा, राइट गए तो कोलकाता की तरफ और लेफ्ट जा रहे हैं हम लोग दिल्ली की तरफ, दैट मीन्स डोभी की तरफ। हम लोग जीटी रोड पर हैं और अब चौपारण क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ जीटी रोड पे 6 लेन का काम आजकल चल रहा है तो काफ़ी डिस्टर्ब्ड है और दोनों तरफ जो है वो लाइन से आपको खीर मोहन की दुकानें मिल जाएंगी। खीर मोहन यहाँ का बहुत फेमस स्वीट है
देखिए हर जगह पुलिस खड़ी है, मेनली ये चालान और मास्क के लिए रोक रहे हैं। तो हम लोग चौपारण घाटी क्रॉस कर रहे हैं और झारखंड से जब आप बिहार जाएंगे तो ये आपको ढलान पड़ेगा और इसमें काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं। देखिए एक सामने ये गाड़ी जंप करके दूसरी तरफ चली गई है। मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है साइक्लोन की वजह से, बादल बादल हैं तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और इधर बारिश होने से हरियाली और बढ़ गई है। तो न्यू गंगोत्री होटल के पास अभी हम लोग रुके हैं, थोड़ा मास्क उतार ले। और इधर से भी आए हम लोग जीटी रोड से और दोनों तरफ है, उधर भी गंगोत्री होटल इधर भी है, दोनों सेम ब्रांच है। यहाँ वीना को झूला मिल गया बैठने के लिए, चाय ऑर्डर किया है। बाकी वेदर जो है साइक्लोन की वजह से ऐसा हो रखा है, 30 डिग्री टेम्परेचर है, हर जगह बादल छाए हुए हैं। अभी चाय पियेंगे हम लोग और चाय पी के 5 मिनट में निकलेंगे क्योंकि चलते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, थोड़ा ब्रेक लेना भी ज़रूरी था। तो अभी हम लोग यहाँ चाय के लिए रुके हुए हैं। झगड़ा मत करो दोनों, क्या हो गया, नेट नहीं आ रहा है? यार मीटिंग ही अजीब सा है। क्या मीटिंग अजीब सा है? उसका कोड ही ऐसे ज्वाइन नहीं कर पाते, नेट आ रहा है ना पूरा? हाँ। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो हम लोगों ने चाय पी ली और अब आगे निकल रहे हैं पटना की तरफ। तो हम लोग डोभी पहुंच गए और जीटी रोड छोड़ दिया, अब यहाँ से राइट टर्न ले रहे हैं गया की तरफ। इधर 4 लेन का काम चल रहा है और काफ़ी टाइम से चल रहा है, बड़ा स्लो प्रोग्रेस है। बिहार में 4 लेन सड़कें इतनी आसानी से नहीं बनती हैं तो वो असर यहाँ भी दिख रहा है। अभी हम लोग गया कोतवाली के पास से गुजर रहे हैं और ट्रैफिक नॉर्मल डे से तो कम है, साफ दिख रहा है। अभी हम लोग जीबी रोड गया से गुजर रहे हैं, ये गया का वन ऑफ द मेन मार्केट्स में से एक है और नॉर्मल डेज में यहाँ आएंगे तो रिंग रिंग के चलना पड़ता है, लेकिन आज देखिए कितना खुला खुला है। इधर भी बारिश शुरू हो गई है और जबकि आज ट्यूसडे है, साइक्लोन का इफेक्ट तो थर्सडे से आएगा मेन, तो अगले 2-3 दिन इस एरिया में भी बारिश होगी। और 4 लेन का काम इधर स्टार्ट हो गया है, काफ़ी स्लो है, अभी तो मिट्टी खोदी जा रही है और बीच बीच में आपको ऐसे अधूरे ओवरब्रिज का काम दिख रहा है जो बता रहा है कि काम चल तो रहा है लेकिन आजकल सोया हुआ है, उठेगा फिर कभी। अभी हम लोग गया पटना हाईवे पे मखदूमपुर के आगे रुके हैं लंच करने के लिए। हल्की हल्की बारिश हो रही है बूंदाबांदी, क्रेटा में ऐसे भी बैठ सकते हैं और डिक्की पूरी भरी हुई है क्योंकि हम लोग काफ़ी दिन घर पे थे तो काफ़ी सारा सामान लेके गए थे। एनीवे 4 लेन का काम इधर चल रहा है जैसा कि आपको दिख रहा है और बाकी जो 1 लेन जो है रोड वो ठीक ठाक मेंटेन्ड है, जिस पे आप आराम से 60-70 तक चल सकते हैं। दूर वहाँ कोई क्रेशर मशीन है, बाकी इधर हरे हरे खेत हैं, उधर थोड़ा कुछ पीला पीला सरसों नज़र आ रहा है। बाकी मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है, गर्मी नहीं है ज़्यादा,
तो अब लंच कर लेते हैं, फिर लंच करके निकलते हैं। सब्जी खराब हो गई। मैं गई कैसे, फ्रिज में था ना। हाँ नहीं 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 गिरा दो। अभी हम लोग यहाँ रुके थे जहानाबाद के आगे। ये कौन सी जगह है, देवनगर नदौल, नदौल के पास रुके थे। चलो बाबू गाड़ी में बैठो। और यहाँ हम लोगों ने कचौड़ी खाया, कुछ मिला नहीं, तो आज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सब्जी खराब हो गई तो लंच हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, हल्का फुल्का खाया है ताकि नींद ना आए। अब हम लोग यहाँ से नॉन स्टॉप पटना जाएंगे, अब रुकने की ज़रूरत नहीं है। बाबू आ जाओ बैठो गाड़ी में। तो अब हम लोग मसौढ़ी पहुँच गए और मसौढ़ी टाउन के अंदर से जा रहे हैं। रेलवे लाइन क्रॉस करके हम लोग ओल्ड NH जो है NH 83 है उससे जाएंगे पटना। ये जो ओल्ड NH है इसमें भी राइट साइड में 4 लेन का काम दिख रहा है, दैट मीन्स ये भी जो है इस वाइड किया जाएगा। खैर ये रोड काफ़ी सकरी है और आगे चल के तो एकदम सिंगल हो जाती है, जहाँ से सिर्फ एक गाड़ी पास हो सकती है। और इस पर देखिए ट्रक्स भी चलती हैं। मसौढ़ी से कुछ किलोमीटर चलने के बाद ये रोड बिल्कुल सिंगल हो जाती है। और मज़ेदार बात है कि ये नेशनल हाईवे है, एटलीस्ट ऑन पेपर NH 83 है ये तो। और इस पे देखिए सामने से ट्रक भी आ रहा है, इसी पर ट्रक्स भी चलती हैं इतनी पतली सड़क पर। अब यहाँ से ये थोड़ा सा चौड़ा हो गया। ये अभी हम लोग जट डुमरी हॉल्ट के पास क्रॉस कर रहे हैं। और ये ऊपर जो दिख रहा है हाईवे, ये जो पटना का बिहटा सरमेरा पथ है, दैट इज़ न्यू बाईपास, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, स्टेट हाईवे 78। तो फाइनली हम लोग पटना पहुंच गए अपने घर, और काफ़ी दिनों के बाद आए हैं तो घर थोड़ा गंदा, आप सफाई में लगेंगे। और आज हमें टाइम लगा एग्जैक्टली 6 आवर्स, तो 6 घंटे में हम लोग पटना पहुंच गए। जनरली 7 घंटे लग जाते थे, लॉकडाउन का ही असर था, और हम लोग बहुत कम रुके हैं। तो ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूं, फिर मिलूंगा आपसे नए ब्लॉग में एक नए रोड ट्रिप पे। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय।